बेल आइकन को दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल टेक्निकल सपोर्ट को। मैं आपके लिए ऐसे ही जरूरी वीडियोस को लाते रहूंगा। दोस्तों मेरा नाम है आदित्य। अपने आज के टेक्निकल वीडियो में हम जानेंगे कि डिस्क डीप फ्रेगमेंटर के बारे में। तो दोस्तों डिस्क डीप फ्रेगमेंटेशन क्या है और किस लिए अपने को करना चाहिए, तो इसी के बारे में हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों जब आप मार्केट से कोई भी हार्ड डिस्क को परचेस करते हो या फिर सिस्टम जब बिल्ड करते हो या परचेस सीधे पूरा ओवरऑल करते हो, तो फिर जो आपका जो मैकेनिकल हार्ड ड्राइव रहता है, मैं एसएसडी की बात नहीं कर रहा हूँ, एचडीडी की बात कर रहा हूँ हार्ड डिस्क ड्राइव में, इसके दोनों के बारे में डिफरेंस बता के आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो आपकी जो हार्ड डिस्क रहती है दोस्तों, तो वो क्या करती है, जब भी आप उसमें कोई डेटा रीड एंड राइट करते हो, तो वो जो अंदर का जो हेडर रहता है तो वो इस तरह रोटेट करता है, तो वो पूरे डेटा को इस तरह रीड एंड राइट करते रहते हैं आपके हार्ड डिस्क में। ठीक है दोस्तों, जब आप नई परचेस करते हो स्टार्टिंग में, तो कोई भी जो आप मूवी डालते हो पिक्चर डालते हो, तो अच्छे से सिक्वेंशियली उसमें राइट होते रहती है दोस्तों, कि 3 GB की फाइल डाली, फिर बाद में 2 GB की कोई मूवी डाली, फिर 1 GB का सॉफ्टवेयर डाला, तो ये अच्छे से सिक्वेंशियली होते रहता है। फिर बाद में दोस्तों कि टाइम टू टाइम क्या होता है कि आपने मूवी देख ली रहती है या फिर कोई सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं पड़ती है, तो आप डिलीट कर देते हो उस जगह से। मान लीजिए ये पूरा सिक्वेंशियली था, अब यहाँ से आपने डिलीट कर दिया, समझिए कि वो 1 GB का सॉफ्टवेयर डिलीट कर दिया, तो बीच में जगह खाली रह गई। फिर बाद में आप अगर समझो कि अब 3 GB का कोई सॉफ्टवेयर को फिर से डालते हो, अपने सिस्टम में कॉपी करते हो, तो 3 GB में से 1 GB जो खाली हुई है जगह, तो वो उसमें डाल उस जगह में जाती हुई है। 3 GB का जो टुकड़ा रहता है 1 GB का, 3 GB में से, तो वो इस भाग में जाता है, दो टुकड़े और डिवाइड हो जाते हैं। तो इस तरह दोस्तों की ये कहने के लिए था, और ना जाने आपने कितने सारे डिलीट किए होंगे, तो कितने सारे टुकड़े बन जाते होंगे, तो इन टुकड़ों में बट जाते हैं दोस्तों फाइलें जो भी आप कट कॉपी करते रहते हो। तो ये दोस्तों प्रॉब्लम आता है हार्ड डिस्क ड्राइव में, क्योंकि वो मैकेनिकल ड्राइव रहती है, वो रोटेट होते हुए अपना जो डेटा है राइट करते रहती है। तो इसलिए दोस्तों की फाइल को, जो भी एग्जिस्टिंग फाइल रहती है, तो उसको उसको टुकड़ों में रीड एंड राइट करना पड़ता है दोस्तों। तो इसी वजह से दोस्तों की मैकेनिकल हार्ड ड्राइव काफी स्लो रहती है, पूरा आपका सिस्टम में बॉटलनेक क्रिएट कर देती है, यानी कि बाकी के रैम अच्छी है आपकी, ठीक है, प्रोसेसर भी अच्छा है, लेकिन इसकी वजह से सिस्टम का परफॉर्मेंस को एकदम लो कर देती है दोस्तों। तो इसके रिलेटेड भी मैं वीडियो बनाऊंगा। तो डिस्क डीप फ्रेगमेंटेशन ये एक प्रोसेस है दोस्तों, कि इस प्रोसेस में जो इस तरह फाइल अलग अलग हिस्सों में बटे हुए होते हैं, तो ये डिस्क डीप फ्रेगमेंटर एक टूल है, माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। तो वो क्या करते हैं कि ये छोटे छोटे टुकड़ों को एक जगह पे ला देते हैं, अच्छे से कंसोलिडेट कर देता है। तो यानी कि जब भी आप अपनी फाइल को एक्सेस करते हैं, तो वो एकदम सिक्वेंशली वाइज वो सभी टुकड़े पास में ही रहते हैं, तो ईजिली वो फाइल लोड हो जाती है। नहीं तो दोस्तों अलग अलग टुकड़े रहते हैं, तब अगर आप ओपन करोगे उस फाइल को, या फिर सॉफ्टवेयर ही मान लो, जब आप ओपन करते हो तो काफी समय लेगा। अगर डिस्क डीप फ्रेगमेंटर ना किया होगा, वो सॉफ्टवेयर के टुकड़े अलग अलग भाग में अगर बिखरे पड़े होंगे, तो ये फायदा रहता है दोस्तों। फ्रेगमेंटेशन के लिए आपको माई कंप्यूटर का आइकॉन है, तो ये ओपन करके अपन माई कंप्यूटर में इंटर करते हैं। तो फिर दोस्तों, तो आपको जिस भी डिस्क का डिफ्रेगमेंट करना है, तो उस डिस्क में क्लिक कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करते ही ये इतने ऑप्शन आते हैं, तो प्रॉपर्टी में जाए, तो प्रॉपर्टी में यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों टूल नाम का ऑप्शन, तो टूल नाम में क्लिक करके यहाँ पे देखिए डिफ्रेगमेंटेशन, तो ये डीप फ्रेगमेंट नाउ में क्लिक करते हैं। नाउ में क्लिक करते ही देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे एक लिस्ट है जितने भी आपके डिस्क हैं, जिसको लॉजिकल पार्टीशन किया गया है, 400, 100, 200 GB में ये सब दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे सामने लिखा भी कि कितने परसेंट डिफ्रेगमेंट हो सकते हैं दोस्तों, तो ये भी है। तो अभी अपने को डी करना है, तो डी में क्लिक कीजिए। तो दोस्तों डिफ्रेगमेंट करने से पहले आपको एनालाइज करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों, कि भाई कितना परसेंट तक ये डिफ्रेगमेंट कर सकता है। तो एनालाइज कर लीजिए दोस्तों ये क्लिक करके, फिर बाद में डिफ्रेगमेंट डिस्क में क्लिक कीजिए। तो अभी दोस्तों मेरा हो चुका है, तो मैं करने नहीं वाला हूँ, मैं अभी आपको दिखाने के लिए ये एग्जाम्पल के तौर पर किया